और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। आईपीएल इस बार 29 मार्च से शुरू हो रहा है और आईपीएल में इस बार 56 मैच खेले जाएंगे। कुल 50 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा और इसके लिए आईपीएल की ओर से एक सूची भी जारी कर दी गई है कि किस टीम को कब कहां किस टीम से भिड़ना है। 29 मार्च को जो ओपनिंग मैच है वो मुंबई में है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। फिर 30 मार्च को दिल्ली में मैच है, दिल्ली और पंजाब के बीच। इसी तरह 31 मार्च को बेंगलुरु में मैच है, आरसीबी और केकेआर के बीच। 1 अप्रैल को हैदराबाद में मैच है, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच। 2 अप्रैल को चेन्नई में मैच है, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। 3 अप्रैल को कोलकाता में मैच है, कोलकाता और दिल्ली के बीच। 4 अप्रैल को मोहाली में मैच है, किंग्स इलेवन पंजाब और हैदराबाद के बीच। 5 अप्रैल को 2 मैच है, एक मैच है मुंबई में और दूसरा मैच है जयपुर में। मुंबई में मुंबई इंडियंस और बेंगलुरु की टीम भिड़ेगी, जबकि जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली की टीम भिड़ेगी। 6 अप्रैल को कोलकाता में मैच है, केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। 7 अप्रैल को बेंगलुरु में आरसीबी और हैदराबाद के बीच मैच है। 8 अप्रैल को मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मैच है। इसी तरीके से 9 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच मैच होगा जयपुर में। 10 अप्रैल को दिल्ली में दिल्ली और आरसीबी के बीच मैच है। 11 अप्रैल को चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच भिड़ंत होगी। इसी तरीके से 12 अप्रैल को हैदराबाद में हैदराबाद की टीम राजस्थान की टीम से भिड़ेगी। 12 अप्रैल को कोलकाता में केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच मैच होगा। 13 अप्रैल को दिल्ली में मैच है, दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। 14 अप्रैल को मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मैच है, ये मैच मोहाली में होगा। 15 अप्रैल को मुंबई में मैच है, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। इसी तरीके से 16 अप्रैल को हैदराबाद में मैच है, हैदराबाद की टीम और केकेआर के टीम के बीच। 17 अप्रैल को फिर से मोहाली में मैच है, किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। 18 अप्रैल को बेंगलुरु में मैच है, बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच। 19 अप्रैल को दिल्ली में मैच है, दिल्ली और केकेआर के बीच। 19 अप्रैल को एक और मैच है, ये मैच चेन्नई में है, चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद की टीम के बीच। 20 अप्रैल को एक ही मैच है मुंबई में, ये मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच है। 21 अप्रैल को जयपुर में मैच है, राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद की टीम के बीच। 22 अप्रैल को बेंगलुरु में मैच है, आरसीबी और दिल्ली की टीम के बीच। इसी तरीके से 23 अप्रैल को कोलकाता में मैच है, केकेआर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच। 24 अप्रैल को चेन्नई में मैच है, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। 25 अप्रैल को जयपुर में मैच है, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच। 26 अप्रैल को एक मैच है मोहाली में, 26 अप्रैल को दो मैच है, एक मैच मोहाली में और एक मैच हैदराबाद में। मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब और केकेआर के बीच मैच है। हैदराबाद में हैदराबाद की टीम दिल्ली की टीम से भिड़ेगी। 27 अप्रैल को एक मैच है चेन्नई में, ये मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच। 28 अप्रैल को भी एक ही मैच है मुंबई में, ये मैच होगा, ये मैच मुंबई और केकेआर के बीच है। 29 अप्रैल को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम मैच खेलेगी। 30 अप्रैल को हैदराबाद में मैच है, हैदराबाद की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भिड़ेगी। 1 मई को मुंबई में मैच है, मुंबई इंडियंस और दिल्ली के बीच। 2 मई को कोलकाता में केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच होगा। 3 मई को फिर से दो मैच हैं, बेंगलुरु में पहला मैच है शाम 4 बजे से आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच, और दूसरा मैच दिल्ली में है, दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच। 4 मई को मैच है जयपुर में, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। 5 मई को भी एक ही मैच है, हैदराबाद की टीम हैदराबाद में ही खेलेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। 6 मई को दिल्ली में मैच है, दिल्ली और मुंबई के बीच। 7 मई को चेन्नई में मैच है, चेन्नई की टीम केकेआर की टीम से भिड़ेगी, ये मैच चेन्नई में होगा। 8 मई को मोहाली में मैच है और ये मैच किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान की टीम के बीच होगा। 9 मई को मुंबई में मुंबई की टीम हैदराबाद की टीम से भिड़ेगी। 10 मई को दो मैच है, पहला मैच चेन्नई में है शाम 4 बजे से और दूसरा मैच रात 8 बजे से है कोलकाता में। शाम 4 बजे से चेन्नई में चेन्नई की टीम दिल्ली से भिड़ेगी और जो दूसरा मैच है 8 बजे रात से, तो उसमें राजस्थान की टीम, दूसरा मैच जो रात 8 बजे से है उसमें बेंगलुरु की टीम केकेआर की टीम से भिड़ेगी, ये मैच कोलकाता में होगा। 11 मई को एक मैच है जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। 12 मई को हैदराबाद में मैच होगा, हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच। 13 मई को दिल्ली की टीम राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी दिल्ली में ही। 14 मई को बेंगलुरु में मैच है आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। 15 मई को कोलकाता में मैच है केकेआर और हैदराबाद की टीम के बीच। 16 मई को मोहाली में मैच है किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली के बीच। 17 मई को बेंगलुरु में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच मैच होगा।
तो इस तरीके से इस आईपीएल में कुल 56 मैच खेले जाएंगे और इसके लिए 50 दिन रखे गए हैं और उसके बाद तय होगा आईपीएल का ये 13वां सीजन कौन जीतता है।